رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی بابرکت مقدس مطہر ذات واسطے او اللہ جو پوری کائنات دا خالق اور مالک ہے اور اس کائنات اندر ہر چیز تے اپنی کامل اکمل قدرت رکھن والا ہے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء افضل الانبیاء اجمل الانبیاء اکمل الانبیاء امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ اور بالا واسطے رحمت اور بخشش دیاں دعاواں آل رسول اصحاب رسول تابعین تبع تابعین محدثین بزرگان دین نیک لوگاں واسطے واجب الاحترام معزز سامعین و حضرات اج دا اے عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک ایک عظیم و شان عنوان انفاق فی سبیل اللہ یعنی کہ اللہ دے رستے دے اندر اللہ دے دتے ہوئے مال جو خرچ کرنا اس دی فضیلت اور اہمیت دے حوالے دے نال گفتگو کرنا چاہنا وا اللہ کولو دعائے اللہ پاک مینو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے مینو سنا کے اور تسانو سن کے اللہ کریم سانو ساریاں نوں صحیح معنی اندر کتاب و سنت تے چلن والا بنائے اپنی بقیہ زندگی سانو ساریاں نوں اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے واجب الاحترام معزز سامعین و حضرات اج رمضان المبارک دا نام اج آخری جمعہ
और पचियां रोजे अल्लाह दे हुजूर दुआ करना वा। अल्लाह साडे सारेयां दा रोजे दा एहतमाम करना और नफल नवाफिल जिक्र अजकार और कुरान दी तिलावत करना अपनी बारगाह अंदर कबूल व मंजूर फरमा के नाम साडे सारेयां वास्ते जरिया नजात बनाए। और जो कमी कुताही हुई है ना इंसान होंदे नाते अल्लाह दर गुजर फरमा, तू गफूर रहीम है। अल्लाह साड़ियाँ कमियाँ बेशियाँ ना वेखी, अपनी रहमत वल वेख के साड़ियाँ सारियाँ नेकियाँ नू कबूल फरमा लै और साडे वास्ते ना बेहतरीन जरिया नजात बना दे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना और आप दे सहाबा सही उल बुखारी अंदर एक हदीस मौजूद है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो इस हदीस नू बयान कर देने। लंबी हदीस है, मैं अपने मौजूदी मुनासबत दे नाल बयान करांगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा तर्ज अमल आप दा मामूल की है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते ने कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना जिदो रमज़ानुल मुबारक दा चन्न वेख लैंदे ते अपने खजानियां दे ना दरवाजे एवें खोल देंदे जिवें तेज हवा चलदी है ना, एवें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना रमज़ानुल मुबारक दे अंदर खास तौर ते आप एवें अपना माल जड़ा अल्लाह पाक ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अता कीता होंदा सी ना, आप रमज़ानुल मुबारक दे अंदर इन्ना तेजी दे नाल सदका खैरात करदे सन। क्यों सदका खैरात करदे सन? क्योंकि ये महीना बड़ियां अजमतां वाला महीना है। एक नेकी करिए ना 700 नेकी दे बराबर अजर मिलदा है। अगर ज़्यादा इखलास और नीयत खालस होए ना सिर्फ अल्लाह दी रज़ा होए ते 700 नेकियां तो भी ज़्यादा अल्लाह देन ते कादर है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ानुल मुबारक दे अंदर तेज़ आंधी दी तरह खर्च कर दे सन। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जड़े असहाब सन ना असहाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ओ भी ना उन्हां दा भी ए मामूल होया करदा सी के आप दे असहाब जड़े सन ना 11 महीने अपना दिरमो दिनार अपना रुपया पैसा अपना गल्ला मूंजी ये सारा कुछ जड़ा है ना इकट्ठा करते रहेंदे 11 महीनों तक इकट्ठा करते रहेंदे जिवें ही रमज़ानुल मुबारक दा महीना आंदा ना ते जो इन्हां 11 महीने अंदर माल इकट्ठा कीता हुंदा सी ना दिरमो दिनार इकट्ठा कीता हुंदा सी ए गल्ला पूंजी जो भी इकट्ठा कीता हुंदा सी सारे दा सारा रमज़ानुल मुबारक दे अंदर अल्लाह दे रस्ते अंदर खर्च कर देंदे। ते सानू भी चाहिदा है ना कि असी भी अपना जड़ा अल्लाह ने सानू माल दिता है ना उन्दे विच्चों कुछ ना कुछ खर्च करिए। ए माल अल्लाह दी अता है, अल्लाह दी तकसीम है। किसे नू माल ज़्यादा दिता है, किसे नू माल बहुता दिता है। और कई ऐसे बेचारे गरीब कमज़ोर ज़ईफ ने जिन्हां नू माल अल्लाह ने बिल्कुल ही मामूली दिया दिता है। ए तकसीमा मेरे मालिक दिया ने ओ भी ते लोग हैं ना, अल्लाह दा शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने सानू माल दिता है, कई ऐसे लोग ने अल्लाह ने उन्होंने माल तो वैसे ही महरूम कर छड़िया, अल्लाह दा शुक्र अदा करना चाहिए। और सानू इस माल विचों ना कुछ अल्लाह दे रस्ते अंदर खर्च करना चाहिए, सानू कुछ ना कुछ अल्लाह दे रस्ते अंदर खर्च करना चाहिए। और जिते खर्च करन दी अल्लाह पाक ने अहमियत और फजीलत बयान कीती है ना उते ही ना नाल अल्लाह पाक ने कंजूसी बुखीली तो भी मना कीता है। कंजूसी नहीं करनी चाहिदी, माल दे अंदर बुखीली नहीं करनी चाहिदी। खर्च करन लगे हाँ
कंजूसी ते बुखीली तो कम नहीं लेना चाहिदा, बल्कि फराख दिली नाल अल्लाह दे रस्ते अंदर खर्च करना चाहिदा। अल्लाह ताला दा कुरान सुनो ना, अपने सीने अंदर जगा दो। अल्लाह दा कुरान सूरह बकरा है, अल्लाह दा कुरान सुनो। अल्लाह फरमांदे ने मसलुल्लज़ीना युन्फिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा। अल्लाह दा कुरान मेरे पैगंबर दे सीने पाक ते अल्लाह दा कुरान नाज़िल होया। मसलुल्लज़ीना अल्लाह उन्हां लोगों की मिसाल देंदा है जेड़े लोग अल्लाह दे रस्ते अंदर खर्च करदे ने, अल्लाह दे रस्ते अंदर अपना माल जनाबे वाला खर्च करदे ने, तकसीम करदे ने। अल्लाह ने किवें मिसाल दित्ती है तवज्जो करे आजे। अल्लाह फरमांदे ने मसलुल्लज़ीना युन्फिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा। उन्हां लोगों की मिसाल जेड़े लोग अपने जनाबे माल विचों अल्लाह दे रस्ते अंदर खर्च करदे ने, उन्हां दी मिसाल उस दाने दी तरह है जेड़ा दाना जमीन दे अंदर बोया जाए, उस जमीन विचों जनाब उस दाने दे जरिए सत बालियां निकलदियां ने, ते हर बाली दे अंदर सौ दाना होया करदा है। आ वेखो ना जिमीदार बैठे हो, असी जनाबे वाला कनक बोने आना, कनक दा बीज बोने आ, एक दाना बोझने आना, एक दाना जमीन अंदर सुट्टी दा है, उस जनाबे वाला दाने विचों एक तना निकलदा है, एक तने उत्ते सत जनाबे वाला बालियां बन जांदियां ने, ते हर बाली दे अंदर ना मेरे वीर सौ सौ दाना होया करदा है। कदी तजर्बा कर लवी ना, अल्लाह हु अल्लाह अल्लाह ते अल्लाह कहिंदा है ना। उन्हां लोगों की मिसाल इंजे जेड़े लोग अल्लाह दे रस्ते अंदर खर्च करदे ने, ते अल्लाह पाक उन्हां नू एक रुपये दे बदले सत सौ रुपया खर्च करन दे बदले अल्लाह उन्हां दे नामियां माल अंदर अजरो सवाब लिख देंदा ही। अल्लाह 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 वल्लाह युज़ाइफु लिमन यशा। अल्लाह कहंदा सत सौ ही नहीं बल्कि मैं रब जेड़ा वा इतों होर ज्यादा देन ते भी कादर हाँ। सत सौ ते देना ही देना है, मैं सत सौ तो ज्यादा भी उन्दे नामियां माल अंदर एक रुपये दे एक रुपया खर्च करन दे बदले मैं लिखने किया लिखन ते कादर हाँ। अल्लाह 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 वेखो ना, मैं एक मिसाल देना वा। एक बंदा किसी बंदे दे कोल चला जांदा है, उन्हू कहंदा यार मेरे वीर इनू तू ना एक सौ रुपया दे दे, एक सौ रुपया दे दे ते मैं तेनू सत सौ देंगा। ये बंदा कहेगा यार बड़ा मुनाफा आ रहा है, रुपया सौ देना है बदले अंदर सत सौ मिल जाएगा, ये बड़ी नफेमंद तजारती। ये बंदा दवा दवा कड़ के उन्हू सौ रुपया दे देगा कि कल नू मैनू सत सौ मिलन वाला है। अल्लाह 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 ये उस अरश वाले रब दा वादा ही, ये उस सच्चे रब दा वादा ही, और जेड़ा पूरी कायनात
ਦਾ ਕੱਲਾ ਖਾਲਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕੱਲਾ ਮਾਲਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬੇਲੋਸ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਏ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਏ ਇਹ ਉਹ ਅੱਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਈ ਹੱਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਤੈਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਈ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਸੌਦਾਸ ਮੰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰੀਏ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਏ ਉਸ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰੀਏ ਉਸ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਖਰਚ ਕਰੀਏ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੇਮੁਲ ਬਦਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ ਸੁਣੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣੋ ਸੂਰਤ ਮੁਜ਼ੰਮਿਲ ਖੋਲੋ 29 ਪਾਰਾ ਖੋਲੋ ਆਖਰੀ ਆਯਾਤਾਂ ਨੇ ਵਮਾ ਤੁਕੱਦਿਮੂ ਲਿਅਨਫੁਸਿਕੁਮ ਮਿਨ ਖੈਰਿਨ ਤਜਿਦੂਹੁ ਇਨਦੱਲਾਹ ਵਾ ਖੈਰਾਂ ਵਾ ਆਜ਼ਮਾਂ ਅਜਰਾਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਨੇਕੀ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਭੇਜੋਗੇ ਜੋ ਨੇਕੀ ਕਰੋਗੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਤੇ ਨੇਕੀ ਏ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਨੇਕੀ ਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨੇਕੀ ਏ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿਕਰੋ ਅਜ਼ਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨੇਕੀ ਏ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨੇਕੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨੇਕੀ ਏ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ ਇਹ ਨਫ਼ਾ ਮੰਦ ਤਿਜਾਰਤ ਜੇ ਨਫ਼ਾ ਮੰਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨਫ਼ਾ ਮੰਦ ਤਿਜਾਰਤ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਕਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਆ ਜਾਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਏ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਿਜਾਰਤ ਕਰਨੀ ਏ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾ ਨਕਸਦ ਸਦਕਤੁ ਮਾਲ ਸਦਕਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਮਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਲਕਿ ਅੱਲਾ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਨੇਮੁਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਏ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਈਏ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਾ ਲਵੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਈਏ ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਏ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜੰਨਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਅੰਦਰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਖਰਚ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਲੱਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਦਕਾ ਤੋਂ ਖੈਰਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਮਾਲ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰੱਦੀ ਮਾਲ ਬੇਕਾਰ ਮਾਲ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਦਰੂਦ ਪੜ
नबी ते जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे सीने ते अल्लाह ने कुरान नाजल फरमा दिता। खोलो चौथा सपारा उंदा आगाज हो रहा आई लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। अल्लाह फरमांदे ने ओ चीज खर्च करो जेड़ी चीज तुहानू दिल नू ज्यादा चंगी लगदी है, जेड़ी ज्यादा महबूब तुहाडे दिल नू चीज है, उस चीज नू अल्लाह दे रस्ते अंदर खर्च करोगे ते तुहानू नेकी मिलेगी। अगर ने अगर जनाबे वाला ओ चीज खर्च ना करोगे जेड़ी तुहाडे दिल नू चंगी लगदी है ते फिर जनाबे वाला नेकी कोई नहीं मिलनी, अल्लाह को अजर कोई नहीं मिलना। जे अल्लाहु अल्लाह अल्लाह हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो मेरे पैगंबर दा प्यारा गुलाम बयान करदा है। अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो बड़ा मालदार है, बड़िया जायदादा दा मालिक है, बड़े बागात दा मालिक है, कसीर तादाद अंदर इंदे कुल मालो दौलत है। अल्लाहु अल्लाह अल्लाह ए जदों ए ऐत नाज़िल होई नाम दौड़िया दौड़िया मेरे पैगंबर दे कोल आया, आके कहंदे लद महबूब पैगंबर जी मैं बड़े बागात दा मालिक हाँ, मेरे कोल बड़ा मालो दौलत है, आज जड़ा मस्जिद नबवी दे सामने मेरा बाग है ना, ये बाग मैनू बड़ा ही महबूब है, मेरे सारे माल विचों सारे बागात विचों ये जड़ा बाग है ना मैनू ज्यादा महबूब है। अल्लाहु अल्लाह अल्लाह ए ओ बाग है जिस बाग अंदर गाहे बगाहे ना मेरे नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम उस बाग अंदर जाया कर दे सुन, उस बाग विचों एक चश्मा निकले के निकलदा सी, उस चश्मे विचों जाके मेरे पैगंबर कदी कदी पानी पिया कर दे सुन। ए अबू तलहा अंसारी मेरे पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम दे कोल आया, आके कहंदे लद महबूब पैगंबर जी आ जड़ा बाग है ना मैनू ज्यादा महबूब है अपने माल विचों ते मेरा दिल कर जाए ए माल जे ए बाग जेड़ा है मैं अल्लाह दे रस्ते अंदर ही वक्फ कर दिया, मैं अल्लाह दे रस्ते अंदर तकसीम कर दिया। अल्लाहु अल्लाह अल्लाह मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आका फरमांदे ने अबू तलहा अंसारी ओ बड़ी फायदेमंद तजारत कर लई आई, ओ बड़ा नफेमंद सौदा अल्लाह नल कर ले आई। अल्लाहु अल्लाह अल्लाह ते नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम फरमांदे ने अबू तलहा अंसारी इस बाग नू अपने रिश्तेदारां विच तकसीम कर दे, अल्लाह ने तेरी नेकी नू कबूल कर ले आए, इस तेरे सदके नू अल्लाह ने कबूल फरमा ले आए। गल करन दा मतलब ए वे कि जनाब जेड़ी चीज अल्लाह दे रस्ते अंदर खर्च करनी है ना ओ दिल नू खो पवे ए मैं चीज खर्च करन लगे आवां, और जदों ऐसी चीज अल्लाह दे रस्ते अंदर खर्च करेगा तेनू फिर अल्लाह नेकी भी जरूर देवेगा। अल्लाहु अल्लाह अल्लाह मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी सीरत पढ़िए ना, मेरे पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम रमजान अंदर ते खर्च कर दे ही कर दे सन, तेज आंधी दी तरह खर्च कर दे, और नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम आम दिना अंदर भी बे इंतहा खर्च कर दे। एक दिन ना नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम ना असर दी नमाज पढ़ाई, असर दी नमाज पढ़ाई ते सलाम पेरिया, फौरन
नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम उठे ने अपनी बाद बीवियां विचों एक बीवी दे हुजरे अंदर चले गए। सहाबा बड़े परेशान ने, आज नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम सलाम फेर दिया नाली जल्दी दे नाल चले गए ने, की वजह हो सकती है? नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम ना वापस आए ना। सहाबा परेशान ने, सहाबा नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम को पूछ देने, अल्लाह दे महबूब पैगंबर जी, आज असी तुहाडी एक अजीब कैफियत वेखी है, तुसी सलाम फेरे आए ते जल्दी जल्दी चले गए हो, की वजह है? मेरे पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम फरमांदे ने, आका फरमांदे ने, ओए मेरे सहाबा, मैनू नमाज अंदर ख्याल आ गया, मैनू नमाज अंदर ख्याल आया कि मेरे घर अंदर ना एक सोने दा टेला पिया होया है जेड़ा सदके दा है, ते मैनू खदशा लायक हो गया ओ ना होए कि ओ सदके दा माल जेड़ा है मेरे घर अंदर पिया रवे ते रात गुजर जाए। मैं घर अंदर दवा दवा गया वा, जल्दी जल्दी उठिया वा, उस सोने दे टेले नूं मैं अल्लाह दे रस्ते अंदर तकसीम कर दिता है। ये मेरे पैगंबर दा मामूली, ये मेरे पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम दा तरीका ही। अल्लाहु अल्लाह अल्लाह, मेरे वीरे नफे मन तजारत, अल्लाह दा कुरान सुनो, अल्लाह फरमांदे ने इन्नल्लज़ीना युन्फिकूना अमवालहुम बिललैलि वन्नहार सिर्रन व अलानियतन فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ। اللہ فرماندے نے او لوگ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ सिर्रं वालानियां, ओ लोग जेड़े लोग अल्लाह दे रस्ते अंदर माल खर्च कर देने, पुशीदा माल खर्च कर देने, लोगां नूं पता नहीं चलदा, हत्ता के सज्जे हत्थ नाल खर्च कर देने, खब्बे नूं पता नहीं चलदा सज्जे ने की खर्च कीता है, या लोगां दे अंदर खर्च कर देने, जहरन खर्च कर देने, लोगां नूं तरगीब दिलान वास्ते के लोग सानू वेख के नम अल्लाह दे रस्ते अंदर माल खर्च करन। अल्लाह फरमांदे ने फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, उन्हां लोगां दा अजर अल्लाह दे कोले, वाला खौफुन अलैहिम वाला हुम यहज़नून, उन्हां ते कदी गम नहीं आएगा, उन्हां नूं कदी परेशानी नहीं आएगी। जेड़े लोग अल्लाह दे रस्ते अंदर अब माल खर्च कर देने, सदका तो खैरात कर देने, अज नाबे वाला वेख्या जाइए ना, अज सूरते हाल की है, हर बंदा परेशान है, हर बंदा जनाबे वाला परेशान गम अंदर मुबतला है, हर बंदा जनाबे वाला खौफ दा शिकार है। ओ कदी मेरे वीर सोचे आई, मैनू रब ने माल दिता है, मैं उन्दे विचों किन्ना को खर्च करना वा? ओ मेरे वीर, ऐसी आम सदका ते दूर दी गल है, ओ जेड़ा सदका साडे ते रब ने फर्ज कर दिता है, जकात वाला साहिबे माल लोग, ओ जिन्ना ते जकात फर्ज है, आम सदका ते दूर दी गल है ना, ओ जेड़ा जकात वाला सदका है ना, जेड़ी जकात है, ओ जेड़ा माल जिंदे ते साडे ते जकात वाजब हो चुकी है, साडे विचों कई ऐसे लोग ने उन्दे विच भी टाल मटोल कर देने, पूरी जकात देंदे कोई नहीं, पहली गल तो देंदे कोई नहीं, दूजी गल देंदे ने ते पूरी देंदे ही कोई नहीं। अल्लाहु अल्लाह अल्लाह, ओ जदों इस तरह दी सूरत हाल होए ना, फिर परेशानियां आंदियां ने, फिर गम आंदे ने, फिर आसमान तो बलावां उतरदियां ने, फिर जनाब
ਬਾਬੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿਤ ਸਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਂਦਾ ਏ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਫਸਲਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਨਾਲ ਔਲੇ ਆ ਜਾਣ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਏ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਦੂਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੜਾ ਪਿਆ ਮੂਸਲਾਧਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਕਣਕ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਾਲਬਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਏ ਉਸ ਗੜੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਜ਼ਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲੋ ਸੂਰਜ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਸਜਦਾ ਏ ਇੱਕੀਆਂ ਸਿਪਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨੂਜ਼ੀਕੰਨਹੁਮ ਮਿਨ ਅਲ-ਅਜ਼ਾਬਿਲ ਅਦਨਾ ਦੂਨ ਅਲ-ਅਜ਼ਾਬਿਲ ਅਕਬਰ ਲਅੱਲਹੁਮ ਯਰਜਿਊਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਜ਼ਾਬ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਏ ਵੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਕਹਿਤ ਸਾਲੀ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਚੀਨੀ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਆ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਤਸੱਲਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਜ਼ਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦਾ ਏ ਲਅੱਲਹੁਮ ਯਰਜਿਊਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੁਲਾ ਕਰ ਲਵੋ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ ਨਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਖਰਚ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਵਕਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਹਦੀਸ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਜਿਹੜੀ ਏ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਅਤ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਐਵੇਂ ਬੜਾਉਂਦਾ ਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਪਹਾੜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲੀਏ ਪੋਸੀਏ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਏ ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਉਸ ਖਜੂਰ ਨੂੰ ਬੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਏਗਾ ਓਏ ਬੰਦਿਆ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਹਾੜ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਨੇਕੀ ਕਰ ਲਈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਵੇਗਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਫੱਬਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸਤਿਹਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਾੜ ਨੇਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਣਗੇ ਓਏ ਬੰਦਿਆ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨੇਕੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਬੜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦੀ ਮਾਨਿੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਅਜਰੋ ਸਵਾਬ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ
अमल करना है, मैनू रब को अजर मिलेगा, मैनू रब को जनाबे वाला सवाब मिलेगा। आवे को ना एक बंदा मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दा फरमान, साडा भी ईमान हो जाए ना जिवें दा ईमान इस बंदे दा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस दे रावी ने बयान कर देने, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक बंदा जेड़ा है सहरा अंदर खड़ा है, चटियल मैदान अंदर खड़ा है, ते ने आवाज सुनी एक बदल विचों आवाज आ रही है, इसके हदीकता फुलानिन, ओए बदल ओ जड़ा फला बंदा है ओंदा जड़ा बाग है जा ओनू पानी पिला दे। ए बंदा बड़ा परेशान, ए कहंदा है मैं वेंदा रहा एक जगह ते, ए बदल चलदा चलदा ना काले पत्थरां ते चला गया, ओथे जाके इन्ने मीं बरसाना शुरू कर दिता, पत्थरां तो पानी ने थल्ले जमीन ते उतरे आए, नालियां बनिया ने एक नाली विच सारा पानी जमा हो गया, ते पानी चलदा चलदा ना उस जगह ते पहुंच गया, उस बाग ते पहुंच गया। जनाबे वाला पानी चलदा चलदा ए बाग अंदर चला जांदा है, एक बंदा खलोता है बाग दे बाहर, ए बेलचा इन्हें हाथ अंदर पकड़े आए, बेलचे दे नाल पानी जड़ा है अपने बाग वाले जा रहे आए, अपने बाग वाल कर दाए। ए बंदा बड़ा परेशान ते हैरान होया, ए चलदा चलदा ना उस बंदे दे कोल चला गया, उन्हों जाके कहंदा है ओ अल्लाह दे बंदे आ तेरा नाम की है, ए कहंदा मेरा आ ना है। ए बंदा कहंदा यार मैं एक अजीब अज सूरत हाल वेखी है, मैं फला जगह ते खड़ा सी ते आसमान तू आवाज आई, बदल विचों आवाज आई, इसके हदीकत फलाने ओ फला बंदे दे बाग नू पानी पिला, ऐ बदल ए बदल नू मैं वेखे आए, ए पहाड़ ते नमी बरसाया, पहाड़ा तू पानी थल्ले उतरिया, एक नाली दे अंदर चलदा चलदा तेरे बाग तक आ पहुंचया, ते जेड़ा मैं ना सुनया सी ओ तेरा ही ना सुनया सी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ओ मेरे वीर मैं गप नहीं सुना रहा, ए किसे अखबार दी खबर नहीं, ए किसे डाइजेस्ट दा नावल नहीं हैगा, ए मेरे पैगंबर दी पक्की ते सच्ची हदीस है, ए ओ मेरा पैगंबर है, ओ जिन्ने कदी जिंदगी विच झूठ बोले आई नहीं है, ओ ए ओ मेरा पैगंबर ही जेड़ा रब दे बुलाए बगैर कदी बोले आई नहीं दा, क्योंकि अल्लाह दा कुरान कहंदा है वन नजमी इज़ा हवा मा गल्ला साहिबकुम वा मा गवा वा मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा। जड़ा वही तू बगैर कदी बोलदा ही नहीं, जदों रब बुलाए उदों बोलदा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बड़िया बड़िया लोगों ने तजर्बा किया, मेरे पैगंबर दी आजमाइश की, मेरे पैगंबर नू आजमाया, ते फिर आजमान तू बाद कहंदे ने माजर रब ना इल्ला सादिकन औ अमीना। सोने असी जदों भी तुहाडा तजर्बा कीता है, असी तुहानू सच्चा ते अमानतदार ही पाया है, असी जदों भी तुहाडा तजर्बा कीता है सोने तुसी हमेशा सच ही बोले आए, सोने असी जदों भी तुहाडा तजर्बा कीता है तुहानू अमानतदार ही पाया है। ए ओ मेरा पैगंबर ही ओंदे हदीस मेरे पैगंबर दी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
ए बंदा कहिंदा ए ओए बंदिया मैं बदल विचों तेरा नां ही सुन के आया वा, बदल विचों तेरे नां दी ही आवाज आई सी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ओ तू केड़ा अमल करना है, ओ तू केड़ी नेकी करना है। अल्लाह ने आसमान तो तेरा नां लेके बदल नू हुक्म दिता है, इसकी खादी का तफुलाने और फुलाने बंदे दे बाग नू पानी पिला दिता जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये कहंदा यार मैं आज तक किसे नू दसिया कोई नहीं, हुण तू मैनू दसिया है ते मैं तेनू दस देना वा। ये कहंदा जी जदों भी मैं जनाब मेरा फल पक जांदा है ना, मेरा बाग तैयार हो जांदा है, मैं अपने बाग दे नाते नहीं से करना वा, मैं अपने बाग दे ते नहीं से करना वा। एक हिस्सा जेड़ा है मैं अल्लाह दे रस्ते विच वकफ करना वा। सब तू पहले मैं एक हिस्सा जेड़ा है अपने अल्लाह दे रस्ते अंदर खर्च करना वा, ते दूसरा हिस्सा मैं अपने घर वाले वास्ते रखना वा, ते तीसरा हिस्सा जेड़ा है वो मैं बाग ते खर्च करना वा। मतलब के बाग दी बाग दा ख्याल रखन वास्ते, बाग नू खाद वगैरह या जो भी मुआमलात ने मैं वो बाग ते खर्च करना वा। आ मेरा अमली आ मेरी नेकी है। ए बंदा कहंदा है अल्लाह ने तेरी ए नेकी कबूल करके आज अल्लाह ने बदल नू हुक्म दे दिता है, ओए बदला जाओ फला बंदे दे बाग नू पानी पिला के आ। मेरा भी ईमान ते यकीन है, मेरा ते एक सौ तो भी हजार जनाबे वाला करोड़ मरतबा ज्यादा यकीन है, मेरे पैगंबर दी हदीस झूठी नहीं हो सकती। आज ही अगर कोई बंदा आजमाए ना अपने माल विच अपने माल दे ते नहीं से करे, उस ते नहीं से आ विचों एक हिस्सा अल्लाह दे रस्ते अंदर खर्च करे, एक हिस्सा अपने घर वाले वास्ते रखे, और एक हिस्सा जेड़ा है अपने उस जनाबे वाला बाग ते खर्च करे, अपनी जमीन ते खर्च करे। मेरा ईमान है मेरा यकीन है जेड़ा ओ बदल ओ दो भी पानी बरसा सकदा है ना अल्लाह दे हुकम दे नाल। आज भी रब बदला नू हुकम दे के ते अल्लाह जमीन तो हाडी नू पानी लगवा सकदा है। यकीन ते ईमान दी गल है ना, यकीन होना चाहिदा है पुख्ता ते कामल यकीन। अल्लाह दा कुरान मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम दे सीनाए पाक ते अल्लाह दा कुरान नाज़िल होया। अल्लाह फरमांदे ने वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुवा युखलिफुहु व हुवा खैरुर राज़िकी। खर्च करोगे वमा अनफक्तुम मिन शैइन, जो भी खर्च करोगे जो भी अल्लाह दे रस्ते अंदर दोगे, फाहुआ यू खलीफू ते अल्लाह पाक उनका नेमुल बदल देन वाला है। की देवेगा अल्लाह उनका नेमुल बदल देवेगा, की देवेगा नेमुल बदल देवेगा। दस दुनिया ते किवें कहंदे ने दस दुनिया मिलेगा ते सत्तर आखरत नू मिलेगा, आ दुनिया दी मिसाल बनी है ना। अल्लाह कहंदा नहीं नहीं तुसी एक रुपया खर्च करो, मैं सत सौ रुपये दे बदले तुहानू जनाब नेकियां देवांगा। एक रुपया खर्च करोगे मैं सत सौ रुपया खर्च करन दे बदले तुहाडे नामे अमाल अंदर नेकियां लिख देवांगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ते मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद, तवज्जो मेरे वाल करो, तवज्जो बत्ती आ गई है, तवज्जो मेरे वाल। नबी पाक दी हदीस, नबी पाक अलैहि
सलातो वसलाम ने फरमाया, आका फरमांदे ने हर रोज सुबह दे वक्त, हर रोज सुबह दे वक्त दो फरिश्ते आसमान तो नाजल होंदे ने, दो फरिश्ते, इन्हां विचों एक दुआ करदाई ते एक बद्दुआ करदाई। एक की करदा, एक दुआ करदा, बोलो यार की करदा, एक दुआ करदा ते दूसरा बद्दुआ करदा। जेड़ा दुआ करदा है वो कहंदा है अल्लाह जिन्ने तेरे रस्ते अंदर खर्च कीता है ओनू उंदा नेमुल बदल आता फरमा दे, अल्लाह उंदे रिज़क अंदर बरकतां पा दे, अल्लाह उंदे रिज़क अंदर इजाफा कर दे। ते जेड़ा दूसरा फरिश्ता है बद्दुआ करन वाला वो उंदे हक अंदर बद्दुआ करदा है। जेड़ा बंदा अपना माल रोक के रखदा है, अल्लाह दे रस्ते अंदर खर्च नहीं करदा, कंजूसी करदा है, बुखिली करदा है। नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम फरमांदे ने अल्लाह दा ए फरिश्ता बद्दुआ करदा है, अल्लाह इंदे माल नू तबाहो बर्बाद कर दे। की कर दे? तबाहो बर्बाद कर दे। हुण आपां दुआ लैणी है के बद्दुआ? आपां की लैणा? दुआ लैनी। अल्लाह सानू दुआ लैन वाला ही बनाए। अल्लाहु अल्लाह अल्लाह। नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया दूसरा फरिश्ता बद्दुआ करदा है, अल्लाह इंदे रिज़क नू तबाहो बर्बाद कर दे, इनू खसारा पै जाए, काटा पै जाए, इंदे रिज़क विचों अल्लाह बरकत ही उठ जाए, अल्लाह इंदे रिज़क विचों जनाबे वाला इजाफा ही खत्म हो जाए, ऐसी बद्दुआ करदा है। अल्लाहु अल्लाह अल्लाह। ते नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया, आका फरमांदे ने दो बंदे ऐसे ने, दो बंदे ऐसे ने जिन्ना दे नाल हसद करना जायज़। हसद वैसे मना है ना कि हसद नहीं करना चाहिदा। हसद दा मतलब है वे कि अल्लाह फलानो तू गड्डी दे दित्ती है, मैनू क्यों नहीं दित्ती, ओनू क्यों दित्ती है, मैनू देनी चाहिदी सी। अल्लाह तू फलां बंदे नू कोठी दे दित्ती, मैनू क्यों नहीं दित्ती, ओनू क्यों दित्ती है, ए है हसद। ते नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया दो बंदे ऐसे ने जिन्ना नाल हसद करना ठीक है, रश करना ठीक है। नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया رجلٌ آتاه الله القرآن، एक ओ बंदा है जिंदे कुल कुरान दा इलम है, हाफ़िज़े कुरान है, कारिये कुरान है। अल्लाहु अल्लाह अल्लाह। रात दियां तरीखियां अंदर, दिन दे उजाले अंदर कुरान दी तिलावत करदा है। ते दूसरा बंदा कवे अल्लाह काश के मैनू भी तू हाफिज बनाया होंदा, मैं भी कारिये कुरान होंदा, जिवें ये कुरान पढ़दा है उवें मैं भी कुरान पढ़दा, उवें मैं ही कुरान दी तिलावत करदा। दूसरा बंदा होए जिन्नू रब ने माल दिता है, ते ओ माल जेड़ा है अल्लाह दी रजा वास्ते अल्लाह दे रस्ते अंदर खर्च करदा है। ते दूसरा बंदा कहंदा हाय काश मैनू रब ने माल दिता होंदा, मैं भी एवें अल्लाह दे रस्ते अंदर खर्च करदा। अल्लाहु अल्लाह अल्लाह। एक होर हदीस मेरे पैगंबर दी, नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया कल क़यामत वाला दिन होएगा, दुआ करो अल्लाह पाक क़यामत दियां सख्तियां कोलो महफूज फरमाए, क़यामत दियां हौलनाकियां कोलो महफूज फरमाए। 50,000 साल दा एक दिन है क़यामत दा, 50,000 साल दा। सूरज जड़ा आज करोड़ा मील दूर है, करोड़ा मील, एक क़यामत वाले दिन एक नेज़े दी मुसाफत आ जाएगा। अल्लाहु अल्लाह अल्लाह। नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन कोई साया नहीं होएगा, किसी चीज़ का साया नहीं होना क़यामत वाले दिन, सिर्फ अल्लाह दे अर्श दा साया होएगा। दुआ करो अल्लाह पाक सानू सारयां नू नसीब फरमाए।
नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम ने मुख्तलिफ अहदीस दे अल्फाज जेड़ी हदीस मैं तुहाडी नजर करना चाहना उनके अंदर नबी पाक ने सत्तां बंदियां दा जिक्र कीता है कि सत्तां बंदियां नूं अरश दा साया मिलेगा। उन्हां विच्चों इक ओ बंदा है राजुलुन तसद्दका बियमीनी, ओ बंदा है जेड़ा बंदा अपने सज्जे हाथ नाल सदका करदा है, अल्लाह दे रस्ते अंदर खर्च करदा है। ते नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया उंदे अस खब्बे हाथ नू पता नहीं चलदा सज्जे हाथ ने की खर्च कीता है, यानी के छुप छुपा के लोगां तो लुक लुका के अल्लाह दे रस्ते अंदर खर्च करदा है। ते क्यामत वाला दिन होएगा मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आका फरमांदे ने कल क़यामत वाला दिन होएगा, अल्लाह इस बंदे नू अपने अरश दा साया नसीब फरमाएगा। क्यों ब्याज नेकी करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना इंशाअल्लाह। रमजान हैगा, वैसे भी बड़ा अजर और सवाब मिलेगा। इस नीयत नाल तू 10 रुपया ही किसी ते खर्च कर दे, नीयत तेरी ए होनी चाहिदी है कि अज मैं हदीस सुनी है कि उस बंदे नू कियामत वाले दिन अल्लाह दे अरश दा साया नसीब होना है। जिस बंदे ने अल्लाह दे रस्ते अंदर अपना रुपया पैसा खर्च किया सज्जे हाथ नाल खर्च किया ते खब्बे हाथ नू पता नहीं चलिया लुक लुका के खर्च कर दे, ओनू पता है या रब नू पता है या जिंदे ते खर्च किया है ओनू पता है, सिर्फ एक छुप छुपा के खर्च कर दे, आज हर बंदा करेगा ना इंशाल्लाह। करोगे ना इंशाल्लाह? छुप छुपा के सिर्फ इस नीयत नाल करना है कि अल्लाह मैं नेकी करन लग्या वां, अनेकी करन लग्या वां, मैं इस वास्ते कर रहा कि कल क़यामत वाले दिन तेरे अरश दे साए दा मुस्तहिक हो जावा। अल्लाह तू मेरा भी ना लिख ले उन्हां विच्चों जिन्हां नूं क़यामत वाले दिन अल्लाह अरश दा साया मिलना है। मेरा यकीन ते मेरा ईमान है जदों तेरी ए नीयत होएगी अल्लाह तेनू जरूर अपने अरश दा साया नसीब फरमाएगा। अल्लाहुम्मा अल्लाह, इस वास्ते मेरे वीर मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमांदे ने अनफिक उनफिक अलैक, खर्च करया कर तेरे ते भी खर्च कीता जाएगा, खर्च करया कर तेरे ते भी खर्च कीता जाएगा। की मतलब? तू खर्च करेगा रब तेनू होर देवेगा, तू खर्च करेगा रब तेनू होर देवेगा। ये तो मसला है ना आम सदके दा, एक सदका है ज़कात वाला, ओ माल जिंदे ते साल गुजर चुके आए उंदे तो मा उस माल विचों ज़कात देना फर्ज है, अगर कोई नहीं देंदा ते गुनेगार है। नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम दे सहाबा आप दा मामूल सी, नबी पाक जदों दुनिया ते गए ना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो खलीफतुल मुस्लिमीन बने ते जनाब कुछ लोगों ने ज़कात देन तो इनकार कर दिता। आज भी लोग है ने जड़े ज़कात तो बरी ने, मैं ना नहीं लैना अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्यों कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो ने उन्हां दे खिलाफ जिहाद कीता जिन्ना ने ज़कात का इनकार किया। अबू बकर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, मैं उस बंदे नाल किताल करांगा जिन्ने ज़कात दी एक रस्सी भी ज़ब्त कीती गबत कर ली उन्हूं अल्लाह दे रस्ते अंदर ना दिता, मैं उन्दे खिलाफ किताल ते जिहाद करांगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सीने पाक ते अल्लाह दा कुरान है, जिन्ना कुल माल जिन्ना कुल सोना ते चांदी साल गुजर गया ज़कात नहीं देंदे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्हां दे सोने ते चांदी नूं क़यामत वाले दिन पंगार दिता जाएगा, जदों पंगारिया जाएगा इन्हां दे चुतड़ां ते उन्हां नूं दागिया जाएगा, इन्हां दियां पुश्तां नूं दागिया जाएगा, अल्लाहु अल्लाह अल्लाह, इन्हां दियां जबीनां नूं दागिया जाएगा। जिन्ना कुल माल रुपया पैसे की शक्ल अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
कल कयामत वाला दिन होएगा, इन्हां दा सारा माल जेड़ा है एक गंजे सप दी शकल अंदर बना के ते इन्हां दे गले अंदर डाल दिता जाएगा। इन्नी सख्त सजा मिलनी है उस बंदे नू जिस बंदे ते जकात वाजब हो चुकी है। जकात दी बहुत बड़ी अहमियत है अरकाने इस्लाम विचों, अरकाने इस्लाम विचों जकात। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बुनी अल इस्लाम अला खम्सिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम दी बुनियाद पांच चीजां ते, पहले कलमा, फिर नमाज, फिर रोजा, फिर हज, फिर जकात। जकात जेड़ा है गल करन दा मतलब बुनियाद इस्लाम विचों है। जेड़ा जकात दा इनकार करेगा उन्हें इस्लाम दी बुनियाद नू गरान दी कोशिश कर दिती है। ए जकात जेड़ा है ना ए लोगां दी माल कुचैल है, मैल कुचैल नाल तशबीह दिती गई है। ते जेड़ा मैल कुचैल जकात नहीं ना देंदा वह इंज समझ लवे कि वह हराम खा रहा। वह की खा रहा? हराम खा रहा, लोगों की मैल ते कुचैल खा रहा जेड़ा बंदा जकात नहीं देंदा। और तीसरा मसला जेड़ा है ना वह जकातुल फितर दा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदी हुण जरूरत है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस दे रावी ने बयान करते ने फराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात अल फितर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ए फितराना नहीं जिन्हों कही दा फितराना, इनू फर्ज कर दिता है हर मुसलमान ते, चाहे वह गुलाम है, चाहे वह आजाद है, चाहे मर्द है, चाहे औरत है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, इन्हें सारे ते ना ये जकात फितराना ये फर्ज हो चुके है। ते आज जड़ा फितराना है ना, आज फितराना उनकी मकदार जड़ी है ना अढ़ाई किलो, मतलब कि साढ़े हाँ गंदम ज़्यादा इस्तेमाल होंगी है ते ऐसी गंदम विचो फितराना देना और ढाई किलो के हिसाब नाल एक फर्द। अगर मतलब के घर के दस जी ने ना तो एक जी वालों अढ़ाई किलो गंदम जड़ी है ना वो फितराना अदा करना, जिंदी कीमत जड़ी है ना तकरीबन 300 रुपया बनती है। एक फर्द वालों किन्ने पैसे बनते ने 300, किन्ने 300। ये ना कहा जाए भी हुकूमत ने ऐलान कर दिता 3900 का, वो जो आएगी उदो वेखी जाएगी। जोड़ा होन रेट है ना तकरीबन 5000 रुपया रेट है गंदम का, इवें ही ना 5000 है कि कोई नहीं, बल्कि उत्ते ही होगा थले नहीं है। तो 2.5 किलो के पैसे जड़े ने ना ये 300 रुपया बनता है एक फर्द वालों, चाहे वह बच्चा है, चाहे वह छोटा है, चाहे जवान है, चाहे मर्द है, चाहे औरत है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, ये हर एक ते ही ना ये देना वाजब ते जरूरी है। ते अदा जड़ा है ना ये नमाज पढ़न तो पहले पहले अदा करना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जड़ा बंदा नमाज पढ़न तो पहले सदका कर दे।